वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 7 सितंबर 2022 और 7 सितंबर 2022 हज़ार बाईस से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने, तो ने भारत में पहला बायो ब्लेज डिजाइन किया है तो अभी त्रिपुरा ने भारत में पहला बायो ब्लेज डिजाइन किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है त्रिपुरा सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देकर 2018 में जैव ग्राम यानी कि बायो ब्लेज की अवधारणा पेश की थी और अब त्रिपुरा सरकार ने भारत में पहला बायो ब्लेज डिजाइन कर दिया है अब त्रिपुरा तो ये है मैप में त्रिपुरा त्रिपुरा की कैपिटल क्या है अगरतला त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है मानिक सहा और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है सत्यदेव नारायण आर्या कौन है सत्य देव नारायण आर्या अच्छा अभी त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की थी त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अभी त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में हुआ था और चवालीसवा कोक बुरुक दिवस ये 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया त्रिपुरा के बारे में इतना आपको याद रखना है अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठ सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठ सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है तो अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत अपॉइंट किया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब किर्गिस्तान तो ये है मैप में किर्गिस्तान किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है बिस्केक किर्गिस्तान की करेंसी क्या है किर्गिस्तानी सोम और किर्गिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है राइडर ज़यारूप कौन है राइडर ज़यारूप नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडस इंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए केस बैंक के साथ समझौता किया है तो अभी इंडस एंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब एडीबी तो एडीबी की स्थापना कब हुई 1966 में। इसका क्वार्टर कहाँ पे है फिलीपींस में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है मत सात असकवा कौन है मत सातुगु असकवा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है तो अभी सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अच्छा कल भी तो एक क्रिकेटर के संन्यास का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं रहीम इन्होंने अभी टी ट्वेंटी इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की थी और बांग्लादेश के ये क्रिकेटर हैं तमीम इकबाल उन्होंने भी टी ट्वेंटी इंटरनेशनल से अभी कुछ टाइम पहले सन्यास लिया था अच्छा क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो विराट कोहली से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 100 मैच खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली और अभी टी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं टी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा है हाल ही में डावर रेड फेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कैसे नियुक्त किया गया है तो अभी अमिताभ बच्चन को डावर कंपनी ने अपने डावर रेड पेस्ट का ब्रांड ब्रांडिस्टर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अच्छा आपने नॉइस की स्मार्ट वॉच देखी होंगी नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए बाणी कपूर को ब्रांड ब्रांडिस्टर बनाया फैन कोड ने नया ब्रांड ब्रांडिस्टर बनाया रवि शास्त्री को एक पॉकरबाजी डॉट कॉम कंपनी है इसने शाहिद कपूर को अपना ब्रांडिस्टर बनाया था गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांडिस्टर बने थे एम एस धोनी और इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म के एमिस्टर बने ए आर रहमान तो ये अभी ब्रांड मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने है। हाल ही में सूँगने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है तो अभी चीन सूंगने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अब चाइना बना है तो ये है मैप में चाइना चाइना की कैपिटल क्या है बीजिंग चाइना की करेंसी क्या है रेनमिन भी और चाइना के प्रेजेंट टाइप प्रेसिडेंट कौन है जी जिनपिंग कौन है जी जिनपिंग अच्छा अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण यानी कि गोल्ड रिसाइकलिंग में चाइना टॉप पर है फुजियान नाम का तीसरा विमान वाहक पोत अभी चाइना ने लॉन्च किया भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश है चाइना यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया के जो टूटे चावल का निर्यात होता है उनका सबसे बड़ा आयातक देश है चाइना चौदहवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी बीजिंग में आयोजित होगा और चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर स्थापित करने के लिए योजना बनाई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आर जल वाला पहला गांव बना है तो भरतौल गांव ये बरेली में एक गांव है और यहाँ पे हर घर तक आर का जल पहुँच गया है तो ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है भरतौल गांव ये हर घर आर जल वाला पहला गांव बना है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनऊ जैसे एन है नेशनल कैपिटल रीजन उसी तरह अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के आसपास एस डेवलप किया जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारा सिंघा राजकी पच्ची है या क्रौच राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष अच्छा अभी भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा अच्छा लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है मैं आपको हमेशा बताता हूँ गोमती नदी किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पेलीभीत टाइगर रिजर्व है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया तो अभी डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है स्वस्थ सबल भारत ये सम्मेलन किसके लिए है तो इसका उद्घाटन एक तो दिल्ली में वर्चुअली किया गया है और डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है ये अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन है और ध्यान रखना इसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी तो अभी गुजरात के द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर गुजरात की चीफ मिनिस्टर कौन है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन है आचार्य देवव्रत अच्छा अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफको नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है गुजरात की पुलिस की ए एफ आई आर प्रणाली का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया और छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात कर रहा है अच्छा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है ये एशिया टिक लॉन्च के लिए फेमस है गुजरात में सरदार सरोवर डैम है गुजरात में नल सरोवर लेक है थोल लेक है कंकड़िया लेक है और केजाड़िया लेक है इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया तो हमारे सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे इनको अभी नेपाल की सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल नेपाल की कैपिटल क्या है काठमांडू नेपाल की करेंसी क्या है नेपाली रुपया नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है शेर बहादुर देउआ अच्छा अभी क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को अभी हरी झंडी दिखाई गई सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है और नेपाल की संसद का नाम क्या है राष्ट्रीय पंचायत नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री कौन चुनी गई तो अभी लिज ट्रस्ट यूके की नई प्रधानमंत्री चुनी गई तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है ये है लिज ट्रस्ट और यही यूके की नई प्रधानमंत्री चुनी गई यूके की प्रधानमंत्री की रेस में दो ही लोग थे एक लिज और दूसरे ऋषि सुनक ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे लेकिन अब यूके की नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं लिज ट्रस तो इनका नाम आप याद कर लीजिए अच्छा अभी माली की सेना ने कर्नल अब्दुलय माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है जेम्स मारेप ये पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने और बजराम बेगज ने अभी अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो ये अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं ये आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तीन नए जिलों का उद्घाटन किया तो अभी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने उन्तीस में तीस में और में जिले का उद्घाटन किया तो अब छत्तीसगढ़ में टोटल इकतीस जिले हो गए हैं तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब छत्तीसगढ़ तो ये है मैप में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है रायपुर अच्छा एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है सी अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ में हुई है दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है और कौशल्या मातृत्व योजना ये इंपोर्टेंट है याद रखना है कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है तो ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है आप इमेज में देखिए ये हैं ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम इन्होंने अभी दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया तो अभी कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त तो अपॉइंट हुए हैं संजय वर्मा तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये हैं संजय वर्मा यही कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त तो अपॉइंट हुए हैं अच्छा ये 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं अच्छा अभी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत तो अपॉइंट किया गया था विक्रम दुरईस्वामी ये यूके में भारत के उच्चायुक्त तो बने हैं और एक नाम और मैंने आपको बताया था प्रद्येक कुमार वर्मा ये बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त तो बने अच्छा क्रेडिट सुइस ने नए सीएफओ के रूप में क्षित जोशी को अपॉइंट किया एन के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहनतेन को नियुक्त किया गया है अच्छा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रभेड छाबड़ा को नियुक्त किया गया ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है यह याद रखने हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है तो दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जो लगभग ढाई किलोमीटर का रास्ता है उसे अभी तक राजपथ कहा जाता था अब इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है ध्यान रखना इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता है वो लगभग ढाई किलोमीटर का है पहले उसे राजपथ कहा जाता था उससे पहले उसे किंग्स वे कहा जाता था अब इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो अभी मेघालय ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना आज के इस वीडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसी सबको करेंगे तो बराबर में एक आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑल बेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग